सो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर टेंडे ब्लॉक्स के पर। तो गाइस, आज मैं आपको अपने विंडोज 7 में विंडोज 10, 11 और भी बहुत सारे ओएस चलाकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाए, आपको गूगल क्रोम पे आना है। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए यूआरएल या कोई भी साइट सर्च कर लीजिए। यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप विंडोज 7 सिमुलेटर। अब इससे क्या होगा गाइस, आप इसे देख लीजिए, विंडोज 7 सिमुलेटर है। आप इसे बस आपको विन लिखना है, विन विन 7 सिमुलेटर, ये आ जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको पहली वेबसाइट पे नहीं क्लिक करना है, आपको करना है दूसरी वेबसाइट पे क्लिक। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, नहीं तो आपका वर्क नहीं करेगा। तो चलिए आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली आपकी साइट खुल जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम रहता है मेरा साइट खोला, क्योंकि गाइस मेरे लैपटॉप पे लगी है HDD जो कि बहुत चलती है स्लो, इसलिए गाइस थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। तो चलिए गाइस, विंडोज 7 सिमुलेटर हमारा ऑन हो रहा है, और जब तक ये ऑन होता है तब तक यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि मेरे एक्सटेंसिव लिखा हुआ, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करना मेरे लिए इसे बहुत ही यूजफुल रह सकता है। क्योंकि इंस्टॉल करने से मैं अपना ऑफिशियली चला सकता हूँ इसे। देखिए गाइस, ऑफिशियली चल गया, ये अच्छी बात है ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली चल गया, और गाइस फुल स्क्रीन मैंने की है, तो हमारा मैंने विंडोज 10 का बूट थिंक पाया। तो चलिए देखते हैं कब तक खुलता ही है। जब तक खुलता है तब तक मैं आपको इंडिया वेरियंट या कुछ न्यू अपडेट्स बताया। तो गाइस, इंडिया वेरियंट के अपडेट में बहुत कुछ आने वाला है, जिसमें से आपका टेम्पो आएगा, मतलब टेम्पो नहीं गाइस, गलती टेम्पो बोल दिया मैंने, ऑटो रिक्शा, और एक आपका आएगा गाइस, सोच रहे थे क्या आएगा आपका, न्यू इंडेवर, और साथ में एक स्पाइडर, और साथ में बहुत सारी RGS फुल में चीजें जो कि आपको पता होंगी, जो कि न्यू अपडेट में आपको पता चलेगा। मैं आपको फुल वीडियो दूंगा न्यू अपडेट पे, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट हो रहा है हमारा विंडोज 7 सिमुलेटर। ये आपके PC के लिए भी अवेलेबल है, तो इसे जगह डाउनलोड कर लीजिए। विंडोज 10 का हमारे पास बूट थीम आ गया, और यहाँ पे गेस्ट है, तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। एक मिनट, इससे गाइस पता नहीं मेरा क्या खुल गया, इससे गाइस खुल गया विंडोज 11। तो गाइस एक मिनट, अब ये वॉल्यूम थोड़ा बड़ा लू, वॉल्यूम बड़ा स्लो है। गाइस देखिए, ये हमारे डेस्कटॉप पे भी आ गया, मतलब गाइस बहुत अच्छी बात है, हमारे पास गेम आ गया है जिसे हम खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाकर इस वेबसाइट को विजिट विजिट कीजिए, इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, इंस्टॉल कीजिए, और इंजॉय नाउ, इंजॉय योर विंडोज PC विदाउट इंस्टॉल एनी टाइप ऑफ OS एंड सीडी ड्राइव। तो गाइस अभी मेरा पता नहीं खुल नहीं रही है, देखिए गाइस मैं से क्लिक कर रहा है, खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। गाइस बहुत स्लो लैपटॉप है मेरा, तो प्लीज नॉर्मल दीजिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, सीधे अपना प्रोसेस पे चलते हैं। तो गाइस हमारा ये खुल चुका है, डेस्कटॉप पे मैं हूँ अपने। तो डेस्कटॉप पे सबसे पहले ये जो विंडोज 11 का ये जो आप देख रहे हैं ना, तो मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को 2 मिनट हाइड कर लूँ। तो यहाँ पे ना विंडोज 11 का ये डेस्कटॉप है ना, तो आप इसे प्रॉपर्टीज की मदद से एक पॉपअप खुलेगा, पॉपअप की मदद से आप इसे एलिगेंस सेंटर पे कर सकते हैं, यानी जो विंडोज 11 आप चलाते हैं ना, इसे सेंटर पे कर सकते हैं। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है ये। और गाइस मैं अपने विंडोज 7 PC पे, लो एंड PC पे ये चला रहा हूँ, और ये देख कितना स्मूथली चल रहा है। तो चलिए पर्सनलाइज पे चलते हैं, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे फुल स्क्रीन क्लियर। फुल स्क्रीन करने के बाद चलिए गाइस अपने सबसे पुराने OS पे चलते हैं, जो कि हमारा विंडोज 3.1। तो गाइस ये जो विंडोज है ना, मैंने कभी चलाया नहीं है, और मुझे चलाना आता भी नहीं है, तो इसे मैं इनेबल करता हूँ। और गाइस अपने PC को थोड़ा पुराने टाइप का बना देते हैं, जरा देखते हैं कैसा होता है पुराने टाइप का PC, और थोड़ा टाइम लेता है इस पे भी है। देखिए गाइस कितना पुराना PC बन गया हमारा, और पता नहीं ऐसे ये रहा माइनस का ऑप्शन गाइस, तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं। ये देखिए गाइस कितना पुराना PC है, ये तब का विंडोज है जब ये 1995 में मुझे लगता ही आया था, नहीं, ये उससे पहले आया था, 1980 का होगा। तो गाइस ये देखिए कितना पुराना है, और यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट बटन ये कितना पुराना वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन चीज पर, हमें पर्सनल लाइफ पे जाना है, हमें इस OS को नहीं ट्राई करना, क्योंकि ये OS मुझे आता ही नहीं ट्राई करना। मैंने OS यूज करने के लिए मुझे चाहिए मेरा फेवरेट OS, जो कि मैं चला चाहता था अपने विंडोज PC में, जो कि है मेरा विंडोज XP।
जिसको मैं अपने पीसी पर ऑब्वियसली इंस्टॉल करने वाला था, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो पाया और वो फेल हो गया। तो मैं अपने आज इस पीसी पे विंडोज एक्सपी चला रहा हूँ। ये देखिए गाइस, विंडोज एक्सपी मेरे चल गया। गाइस ये कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे स्टार्ट बटन भी देख लेते हैं हमारा। स्टार्ट बटन भी ऐसा ही है जैसे पहला था, विंडोज 7 की तरह ही है। और चलिए अपने मेन पीसी खोले, जो कि आप सब लोग यूज़ करते हैं, जो कि मेरे जैसे लोग हैं जो कि यूज़ करते हैं ये वाला ओएस। आजकल क्योंकि ये वाला ओएस बहुत सस्ता हो गया है, और ये मुझे लगता है ये मार्केट में सस्ता हो सकता है, तभी ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं, जिसका नाम है विंडोज 7, जो कि मेरे ऑफिशियली ओएस में डला हुआ है। और मैं इसे अपने ऐप में चला रहा हूँ जो कि विंडोज 7 ही है। देखेगा इस खुल गया विंडोज 7 मेरा। और चलिएगा इस, मुझे विंडोज 7 तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि ऐसे ओएस मुझे पसंद नहीं, इसने मुझे बहुत मुसीबत में डाला हुआ है। तो चलिए अब हम चलाएंगे अपना फेवरेट ओएस जो कि है विंडोज 10, जिसको मैं डाउनलोड करना चाहता था, लेकिन आखिरी में वो फेल हो गया। तो वैसे कोई बात नहीं, मैं इस ऐप की मदद से चला सकता हूँ इसे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। थोड़ा आपका माउस लैग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर। तो चलिएगा इस, देखिएगा इस मेरे विंडोज 7 पीसी में कैसी है, खुल गया। तो आप यहाँ पर एक ना आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा ये स्क्वायर जैसा, आप इसे क्लिक कर करना गो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। लगेगा कि आपका लगेगा नहीं कि आपने कोई ओएस इसमें इंस्टॉल किया है नहीं। तो चलिए इसके जरा फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स देखने के लिए सबसे मेन फीचर्स देखने के लिए मैं इसमें पेंट खोलूँगा, क्योंकि पेंट इससे मैंने तिरंगा झंडा बनाया था। तो चलिए फिर से बनाकर दिखा देता हूँ आपको। चलिए अपना भारत का झंडा बनाते हैं। अभी गाइस बस थोड़ा सा ही रह गया गाइस, क्योंकि ये थोड़ा बनाना मुश्किल है इसके अंदर का अशोक चक्कर। तो गाइस फाइनली हमने अपना नेशनल फ्लैग बना लिए, जो कि गाइस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसे सेव कर लेते हैं। इसे हम सेव करेंगे तिरंगा झंडा के नाम से। ये गाइस हमारे नेशनल फ्लैग का नाम तिरंगा झंडा ही है, अनटाइटल्ड रख हटा के तिरंगा लिख देंगे, तिरंगा फ्लैग। तो ये गाइस कल मैंने इस पे शॉट बनाया था एक, तो यहाँ से सेव का ऑप्शन मुझे अभी शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों गाइस। लगता है मैंने सेव के लिए कोई डेस्टिनेशन ही चुना, तो सेव करें डेस्टिनेशन। पता नहीं क्या गाइस आगे लिस्ट फील्ड जेपीजी फाइल की जगह पीएनजी फाइल बना देता हूँ इसे। तो गाइस अब ये सेव हो गया, पता नहीं लिस्ट फेल क्यों हो रहा है गाइस। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं इसका नाम हटा देता हूँ। अभी इसे नेम रखकर दे देता हूँ। पता नहीं गाइस लिस्ट क्यों फेल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अगर ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस मेरे डेस्कटॉप पे आ रहे हो, मेरा डेस्कटॉप देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं गाइस। मिनट, एक मिनट गाइस, पता नहीं क्या खुल गया। सेटिंग खुल गया। चलिए देखते हैं सेटिंग में क्या क्या है इसमें। पता नहीं ये क्या है, इंटरनल डिस्प्ले। इसमें वही है जो मोबाइल में आता है,
और इस पे कुछ है ये लैंडस्केप पता नहीं क्या, इस पे देखता हूँ करके गाइस हो नहीं रहा, लगता है ये हमारे लिए नहीं है। आप ऐसे ऐसे जूम से जूम भी कर सकते हैं, तो गाइस देखने में हमारा ये ओएस बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब कुछ अलग टाइप के ओएस ट्राई करते हैं, क्रोम ओएस ट्राई करते हैं, ट्राई मतलब क्रोम ओएस। अब हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने वाले क्रोम ओएस, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि गाइस आजकल इसका नाम बहुत फेमस हो रहा है। इसके लैपटॉप्स भी आते हैं गाइस क्रोम ओएस के, जो कि एक एंड्रॉयड लैपटॉप है। अच्छा गाइस तो ये है हमारा क्रोम ओएस और ये है स्टार्ट बटन, मुझे लगता है गाइस यही स्टार्ट बटन है। हाँ गाइस देखा है स्टार्ट बटन ये, तो इस पे गेम्स भी है, देखते हैं इसे चलता है। ओ गाइस ये क्या आ गया, इसने तो हमें उल्लू बना दिया, गेम्स की जगह ये बेकार से गेम प्रोवाइड करवा दिए, तो गाइस कोई बात नहीं। और इस पे कैलकुलेटर भी है, कैमरा भी है, जो कि मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता। पेंट भी है, पेंट जरा ओपन करते हैं, पेंट वही है जो पहले वाला था, तो चलिए इसे हटा देते हैं और एक और नीचे कुछ देखते हैं। इस पे गाइस आपको वर्ड पैड भी मिल जाएगा, तो गाइस ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसमें कुछ लिख कर लिख भी सकते हैं, तो अच्छी बात। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं वर्ड पैड को अपने, ये देखिए गाइस वर्ड पैड आ गया हमारे पास। ये तो गाइस फुल्ली कंप्लीटेड ऐप है आपके विंडोज के लिए, बिना ओएस इंस्टॉल किए है। लेकिन गाइस ये आप इसमें ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसमें आपको गूगल से ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये भाई गाइस बस वैसे ही दिखाने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अब पहले मैं अपना ये वाला ओएस लगा लूँ विंडोज 10, और यहाँ से अब एग्जिट कर लेता हूँ, इसे फुल स्क्रीन की जगह हटा लेते हैं, तो इसे भी हटा लेते हैं अब। तो गाइस अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस इंडिया वन एफडी के ऊपर भी वीडियो आएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो गाइस बाय। देखे मैच ही डाउन करता था, ठीक ठीक है यार, यार बलियो पापा स्प्रेड हेयर कर लेते हैं। पीपल्स लाइट आ गई वहां पे, भाषा के लिखे हुआ है कुछ भेज रहा भी नहीं है, मैसेज करना
मम्मी पापा आ गया, खाना पियो। किया है रिकॉर्ड अजीब चलती पड़ी थी।